बूंदी जिले के देई थाना क्षेत्र के मोतीपुरा गांव में खेत में पानी पिलाई को लेकर हुए झगड़े में चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे हंसराज मीणा को देई पुलिस ने सोमवार को 24 घंटे में गिरफ्तार किया। आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को नैनवा न्यायालय में पेश किया, जहां से पेशी के दौरान न्यायालय ने आरोपी भतीजे हंसराज मीणा को 29 सितंबर तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। घटना शुक्रवार रात्रि को खेत में पिलाई को लेकर मोतीपुरा निवासी सुखपाल मीणा व भतीजे हंसराज के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें चाचा सुखपाल घायल हो गया था। उसका बूंदी चिकित्सालय में उपचार चल रहा था, जहां पर उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के भाई फोरूलाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी भतीजे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाँच की शुरुआत की थी। दही थाने में मोतीपुरा गाँव पड़ता है, वहाँ पर 19 तारीख को चाचा और भतीजे काका भतीजे दोनों ही थे, उन्हें पानी के विवाद को लेकर मक्का में पानी पिलाने के विवाद को लेकर आपसी लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें भतीजे ने लकड़ी की दोकड़ी की उसके काका के सुखपाल के सिर में मारी, जिससे उसकी मौके पर ही वो चेत हो गया था। फिर हॉस्पिटल बूंदी में लेके गए थे, अस्पताल बूंदी में उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी, जिस पर जिसकी रिपोर्ट हमने सामान्य चिकित्सालय बूंदी से लेकर आए थे, उस पर मुकदमा धारा 302-201 IPC में दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया था और आरोपी की तलाश कर दिनांक 20/9/2020 को मुंडी हंसराज पुत्र रामनारायण हंसराज पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी मोतीपुरा को गिरफ्तार कर आज दिनांक को न्यायालय में पेश किया है, जहां न्यायालय ने दिनांक 29/8/2020 तक जेसी का आदेश फरमाया। जे न्यूज़ के लिए राजस्थान बूंदी से हनुमान गौड़ की रिपोर्ट।